इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड की पिच को बिलो एवरेज रेटिंग देते हुए गैर मियारी करार दिया है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था, जो इंग्लैंड ने 74 रन से जीता था। इस मैच के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर ऐसी पिच बनाने पर तनकीद भी होती रही, जिससे बॉलर्स को कोई मदद नहीं मिल रही थी। इस टेस्ट से दोनों टीमों ने 4 इनिंग्स में मजबूरी तौर पर 1738 रन बनाए थे। पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा ने इस पिच को शर्मिंदगी का बायस करार दिया था और मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट इनकी इस बात से मुत्तफिक नज़र आते हैं। मंगल को एंडी पाइक्राफ्ट ने आईसीसी को अपनी फाइंडिंग्स में बताया कि वो एक इंतहाई फ्लैट पिच थी, जहां बॉलर्स को किसी भी किस्म की कोई मदद नहीं मिल रही थी। यही बुनियादी वजह थी कि दोनों टीमों के बैटर्स ने बहुत तेज़ और बहुत ज़्यादा रन बनाए। मैच रेफरी ने आईसीसी को जमा कराई गई अपनी रिपोर्ट में कहा कि क्योंकि इस पिच में बॉलर्स के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैंने आईसीसी के कवायद व जवाबित के मुताबिक इसे बिलो एवरेज यानी गैर मियारी पाया। इससे कबल इसी साल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मार्च में भी रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड की पिच को आईसीसी की जानिब से गैर मियारी करार देते हुए डी मेरिट पॉइंट दिया गया था। अब तक आईसीसी की पिच एंड आउटफील्ड मॉनिटरिंग प्रोसेस के तहत रावलपिंडी की पिच को लगातार 2 डी मेरिट पॉइंट्स दिए जा चुके हैं और ग्राउंड पर इंटरनेशनल क्रिकेट की मौतली का ख़तरा मंडला रहा है। किसी भी ग्राउंड की पिच को दिए गए डी मेरिट पॉइंट्स का इतलाक़ 5 साल तक रहता है, और अगर किसी ग्राउंड को 5 डी मेरिट पॉइंट्स लगातार मिल जाएं, तो वहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट 1 साल के अरसे के लिए मुअत्तल कर दी जाती है।